आप सभी का फिर से हमारे इंटेल ऑडिट ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत है, जो है आईएसओ 9001:2015 के ऊपर, जिसे हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम भी बोलते हैं। तो इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में हमारा ये 9th चैप्टर है। इस चैप्टर में बात करने वाले हम क्लोज नंबर 6 के बारे में, जो है प्लानिंग। तो चलिए इस क्लोज में सबसे पहले बात करते हैं 6.1 के अंदर, जो है एक्शन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। तो इसके अंदर सबसे पहले जो सब क्लोज आता है वो आता है 6.1.1, और यहाँ पे जो स्टैंडर्ड है वो ये कहता है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो प्लानिंग कर रही है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, तो इसको इश्यूज जो आइडेंटिफाई किए थे 4.1 के अंदर और जो रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई की थी 4.2 के अंदर, इन दोनों को कंसिडर करते हुए उसको प्लानिंग करनी है। और प्लानिंग करते समय उसको रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करनी है, एड्रेस करनी है, और जो ये रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करेगा उसके पीछे जो मकसद है वो ये डिफाइन किया हुआ है कि जो डिजायरेबल इफेक्ट है वो इम्प्रूव हो सके, जो अनडिजायर्ड इफेक्ट है वो प्रिवेंट या कम हो सके, और जो इम्प्रूवमेंट है वो सिस्टम के अंदर है। ये तीन चीजें हैं जिसको बेस पे ये जो 6.1.1 की रिक्वायरमेंट है वो डिफाइन की गई है। तो चलिए इसमें नेक्स्ट फर्दर डिस्कस करते हैं सब क्लोज नंबर 6.1.2, और इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट है सिस्टम की वो ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्लान करना होगा एक्शंस उन रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज को एड्रेस करने के लिए। उसके बाद इसमें फर्दर जो रिक्वायरमेंट निकल के आ रही है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको इंप्लीमेंट करना होगा और इंटीग्रेट करना होगा उन एक्शंस को क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्रोसेस के अंदर। अब इसमें नेक्स्ट जो फर्दर रिक्वायरमेंट है उसमें ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको उन एक्शंस की इफेक्टिवनेस भी इवेल्युएट करनी होगी। अब ये कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, और इसमें नेक्स्ट फर्दर यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन दी हुई है इस 6.1.2 के अंदर कि जो एक्शन लेगा ऑर्गेनाइजेशन उन रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज को एड्रेस करने के लिए, वो जो एक्शंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन द कन्फर्मिटी ऑफ प्रोडक्ट। मीन्स जिस इशू या जिस रिक्वायरमेंट का रिस्क सबसे ज़्यादा है उसको सबसे पहले लेना है, दूसरे को सेकेंड लेवल पे या नेक्स्ट स्टेज में लेना है। तो इस तरह से हमें जो एक्शन लेना है वो डिपेंड करेगा पोटेंशियल इंपैक्ट ऑन द कन्फर्मिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो ये रिक्वायरमेंट थी 6.1.2 के अंदर। चलिए इस सब क्लोज को हम फर्दर यहां पे डिस्कस कर लेते हैं कि रिस्क क्या होता है और जो अपॉर्चुनिटीज क्या होती है, जो कि यहां पे स्टैंडर्ड ने नोट के थ्रू समझाया गया है। यहाँ पे जो उसने बताया है कि जो रिस्क की हम बात कर रहे थे कि रिस्क को एड्रेस करना है ऑर्गेनाइजेशन को, इसका मतलब है कि रिस्क को खत्म करना है या फिर रिस्क को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है, या फिर जो रिस्क का सोर्स है उसको बिल्कुल खत्म कर देना है, या फिर जो रिस्क की जो लाइकलीहुड है उसको कम कर देना है, या फिर उसकी जो इंफॉर्मेशन है उसको फर्दर देनी है जिससे कि उसके बारे में जो पर्सन है वो अवेयर हो सके। इसके बाद इसमें फर्दर अपॉर्चुनिटीज के बारे में यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि अपॉर्चुनिटीज क्या होती है, कि अपॉर्चुनिटीज का मतलब है नई प्रैक्टिस को एडॉप्ट करना, या फिर नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना, या फिर नई मार्केट को बनाना, या फिर नए क्लाइंट को एड्रेस करना, या फिर जो नई टेक्नोलॉजी है उसको इम्प्लीमेंट करना। इन सब चीज़ों को अपॉर्चुनिटीज का नाम दिया गया है। तो ये कुछ एक्सप्लेनेशन थी 6.1.2 के अंदर। तो चलिए हम नेक्स्ट क्लोज तक चलते हैं, जो है 6.2, जो है क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लानिंग टू अचीव देम। अब यहाँ पे जो सब क्लोज आता है सबसे पहले वो है 6.2.1, और यहाँ पे जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको एस्टेब्लिश करना है क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स को हर लेवल के ऊपर, हर फंक्शन के ऊपर, हर प्रोसेस के ऊपर जो डिफाइंड किया गया है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। इसके अलावा जो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए क्वालिटी पॉलिसी के ऊपर। मिस जो क्वालिटी पॉलिसी की डायरेक्शन है वही क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स की डायरेक्शन होनी चाहिए उसी साइड। इसके अलावा जो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स है वो मेजरेबल होना चाहिए। इसके अलावा जो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स है वो एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट को भी कंसीडर करना है क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। इसमें फर्दर यहाँ पे बात की गई है कि जो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स है वो कन्फर्मिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को भी ध्यान में रखते हुए डिफाइन करना है, और कस्टमर सेटिस्फैक्शन इन्हेंसमेंट के ऊपर भी क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स में डिफाइन करना है। इसी सब क्लोज में फर्दर ये रिक्वायरमेंट है कि जो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स है वो मॉनिटर होना चाहिए, मीन्स वो इजी टू मॉनिटर हो सके। इसके अलावा जो नेक्स्ट फर्दर इसमें रिक्वायरमेंट है कि जो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स है वो कम्युनिकेटेड होना चाहिए, मीन्स ऐसा ना हो कि जो टॉप लेवल के बंदे हैं उसको ही ये पता हो कि क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसके, और जो नीचे एक्चुअल काम कर रहे हैं उनको इस बारे में नॉलेज ही ना हो, तो वो प्रॉपरली कम्युनिकेटेड भी होना चाहिए।
और जो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अपडेटेड भी होना चाहिए, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट्स है कस्टमर की या एप्लीकेबल जो रिक्वायरमेंट्स है वो अगर चेंजेस होती है तो उसके बेस पे क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स भी चेंज होने चाहिए। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स थी क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स के रिगार्डिंग। इसमें फर्दर यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स है सिस्टम की वो ये है कि जो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव है वो मेंटेन रखना है एज ए डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। मीन्स जो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव है उनको डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन उनके ऊपर मेंटेन करना है ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये रिक्वायरमेंट्स थी 6.2.1 के अंदर। तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं सब क्लॉज नंबर 6.2.2। और यहाँ पे जो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जब ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए प्लान करेगा तो उस समय कुछ चीजें हैं जिसका उस ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखना होगा, जैसे कि क्या करना है, किन किन रिसोर्सेज की हेल्प से करना है, कौन करेगा, कब करेगा, उसके रिजल्ट को कैसे चेक करेंगे। ये सब चीजें ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करनी होगी क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के प्लानिंग करते समय। तो चलिए हम नेक्स्ट क्लॉज की तरफ बढ़ते हैं जो है 6.3, जिसे हम प्लानिंग ऑफ चेंजेस कहेंगे। अब यहाँ पे जो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये लगता है कि उसको अपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर चेंज करना चाहिए या फिर उसे चेंज करने की जरूरत लगती है, तो वो सब चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन को एक प्लान मैनर में ही इंप्लीमेंट करना है। ये स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है। अब ये जो प्लान मैनर में इंप्लीमेंट करना है उस चेंजेस को, तो उस चेंज को करने के लिए कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए ये चेंजेस करने हैं। कैसे क्या क्या चीज ध्यान रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन को ये देखना है कि जो चेंज करने वाले हैं उसका पर्पस क्या है और उसका रिजल्ट या फिर उसका इफेक्ट क्या है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ये देखना है कि उस चेंज को क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से कैसे रिलेट किया हुआ है या कैसे रिलेशन में है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन को ये देखना है कि कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो उस चेंज को इंप्लीमेंट करने के लिए चाहिए और अवेलेबल है या नहीं है, वो सब चीजें ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी भी रिलोकेट करने की जरूरत है तो वो भी करना पड़ेगा, और एलोकेशन भी यहाँ पे करनी होगी कि कौन उस चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट थी स्टैंडर्ड की 6.3 के अंदर चेंजेस को इम्प्लीमेंटेशन करते समय। तो चलिए हम आज के इस चैप्टर को यहीं पे समाप्त करते हैं। और समाप्त करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने आज के इस चैप्टर को समाप्त करने के लिए ISO 9001, ISO 9000 और इंटरनेट इनकी हेल्प से हमने आज का चैप्टर कंप्लीट किया है। धन्यवाद।